वेलकम इन अन अकेडमी लाइव सेवन बाय अप्पी सिंह। टुडे आई विल डिस्कस इन केमिस्ट्री क्लास स्पेशली फॉर बीएससी पार्ट वन एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज हम बीएससी पार्ट वन के लिए विशेष रूप से सीबीएसई बोर्ड के लिए और नीट के स्टूडेंट्स के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके बीएससी पार्ट वन के कोर्स में है। सबसे इंपॉर्टेंट आज है डी ब्रॉगली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम रदरफोर्ड, जे थॉमसन एंड चैडविक रिपोर्टेड दैट बाय देयर एक्सपेरिमेंट देयर इज थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स फाउंड इन एटम, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस व्हाट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस, दैट इज नोन एज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो है एक करेक्टरिस्टिक फीचर है किसी भी एलिमेंट का। जैसे किसी में एक प्रोटॉन है तो हाइड्रोजन है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई दो हो गई हीलियम हो गया, प्रोटॉन की संख्या तीन हो गई लिथियम हो गया एंड सो ऑन, 11 हो गया सोडियम हो गया, 12 हो गया मैग्नीशियम हो गया। इसका यह मतलब कि प्रोटॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल एंड करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एटम। नाउ एटॉमिक मास, वेट ऑफ प्रोटॉन एंड वेट ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास। नाउ मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज मास नंबर। एक वर्ड आता है न्यूक्लियॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। अब हम आते हैं आज के मेन पर, डी ब्रॉगली पर। अभी आपने पिछले लेक्चर में यह देखा कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और पार्टिकल्स बिहेव एज ए पार्टिकल, बट अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली प्रोटॉन बिहेव्स एज पार्टिकल एंड वेव नेचर, दैट इज द ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। डी ब्रॉगली ने एक इक्वेशन दिया, इन्होंने कहा कि इफ ए स्मॉल पार्टिकल हैविंग मास m, हैविंग मास m मूव्स विद द वेलोसिटी v, वी वेलोसिटी से गति कर रहा है एंड वेवलेंथ दैट इज लैम्डा, द वेवलेंथ एंड वेलोसिटी आर रिलेटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी और एच अपॉन पी। ये डी ब्रॉगली इक्वेशन है। यहां एम जो है ये मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी जो है उसका उसकी वेलोसिटी है और पी जो है ए मोमेंटम ऑफ द मूविंग पार्टिकल है। पी दैट इज मोमेंटम ऑफ मूविंग पार्टिकल। तो हमेशा मोमेंटम जो है किसी भी मूविंग पार्टिकल का, दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर वेवलेंथ। तो यह हो गया हमारा डी ब्रॉगली इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल टू
एच अपॉन एम वी और एच अपॉन पी, बिकॉज पी मीन्स मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो इस प्रकार से हमने आपको डी ब्रॉगली का इक्वेशन बताया। सबसे इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन। हम इसको चार पांच स्टेप में लेते हैं। हमारा पहला स्टेप है इफ ए फोटॉन टू बी वेव फ्रीक्वेंसी न्यू, इट्स एनर्जी इज गिवन बाय प्लैंक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू एच न्यू। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। यहां मैंने लिख दिया है पूरा, आप इसे नोट कर लीजिएगा। यहां मैं आपको समझा रहा हूं। हमारे सेकंड डेरिवेशन का जो सेकंड स्टेप है, इफ कंसीडर द पार्टिकल मास m, इट्स एनर्जी गिवन बाय आइंस्टीन इक्वेशन इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। पहला है इज इक्वल टू एच न्यू, सेकेंड है इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब यहां आप देखिए, इफ इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो थर्ड कंडीशन हम लेते हैं कि एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो गया। हमारा पहला इक्वेशन क्या था, इज इक्वल टू एच न्यू, उधर लिखा हुआ है पूरा। दूसरा इक्वेशन है इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये आइंस्टीन का समीकरण है। और व्हेन इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, देन एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, दैट इज आवर थर्ड इक्वेशन। फोर्थ है बाय डिवाइडिंग सेकेंड एंड थर्ड, बिफोर दिस डिवीजन हम देखते हैं कि ए फोटॉन ट्रेवल्स इन फ्री स्पेस विथ वेलोसिटी v और वेलोसिटी ऑफ लाइट c। हमेशा लाइट वेलोसिटी को c से रिप्रेजेंट करते हैं। द मोमेंटम p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ये हमारा फोर्थ इक्वेशन हो गया। अगर कोई फोटॉन c वेलोसिटी से एक फ्री स्पेस में ट्रेवल कर रहा है तो उसका मोमेंटम हो जाएगा p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज आवर फोर्थ। अब हम डिवाइड करेंगे। By dividing equation number 3 and 4, by dividing equation number 3 and 4, तो एच न्यू अपॉन सी अपॉन पी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर अपॉन एम सी। एच न्यू अपॉन पी इज इक्वल टू एम सी अपॉन एम सी स्क्वायर अपॉन एम सी, काट दीजिए, ये हो जाएगा इज इक्वल टू सी। एच न्यू इज इक्वल टू सी, एच न्यू इज इक्वल टू सी। ये हमारा फिफ्थ इक्वेशन हुआ। इसके बाद हम मोमेंटम में लेते हैं। हमारा पी इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी एच न्यू अपॉन लैम्डा, देन लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी और एच अपॉन एम वी, दैट इज डी ब्रॉगली इक्वेशन। एक बार इससे समझ लीजिए आप, मैंने पूरा डेरिवेशन लिखा है इसमें, इसको आप जूम करके नोट कर सकते हैं। इसको मैंने पांच स्टेप में डिराइव किया।
पहला स्टेप है इफ ए फोटॉन टू बी ए वेव फ्रीक्वेंसी न्यू इट्स एनर्जी इज गिवन बाय प्लैंक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू एच न्यू एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट नोट कर लीजिएगा उसको. सेकेंड में इफ यू कंसीडर ए पार्टिकल मास यम इट्स एनर्जी इज गिवन बाय आइंस्टीन इक्वेशन दैट इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. जब इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर तो ऑलरेडी एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर ये हमारा हो जाता है थर्ड समीकरण हमारा थर्ड इक्वेशन हो जाता है. फोर्थ में हम लेते हैं अगर कोई फोटॉन फ्री स्पेस में ट्रेवल कर रहा है विद वेलोसिटी सी यहां क्योंकि लाइट वेलोसिटी को हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं डिनोट करते हैं सी से. द मोमेंटम इज गिवन बाय पी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी मास और वेलोसिटी का गुणनफल यही आपका मोमेंटम होता है संवेग जिसे हिंदी में कहते हैं पी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी दैट इज. अब यहां पर हमने क्या किया वी को सी से ट्रांसक्रिप्ट कर दिया रिप्लेस कर दिया तो P इज इक्वल टू एम सी दैट इज आवर फोर्थ. फिफ्थ है अनडिवाइडिंग नंबर थर्ड एंड फोर्थ एच न्यू अपॉन P इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर अपॉन एम सी एम एम से काट दीजिए एक सी सी काट दीजिए एक सी बचता है देन एच न्यू अपॉन P इज इक्वल टू सी. तो यहां आप पी को निकालिए मोमेंटम को पी इज इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी एंड दैट इज रिप्लेस्ड बाय लैम्डा एच अपॉन लैम्डा देन लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी. दिस इज द डी ब्रोगली इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास ट्वेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीएससी पार्ट वन इन ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बोथ केसेस. तो इस प्रकार से आज हमने आपको बताया कि पार्टिकल फंडामेंटल पार्टिकल स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल तीन होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. हमने आपको एटॉमिक नंबर की बात बताई कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज एटॉमिक नंबर. नंबर ऑफ प्रोटॉन आप चेंज करते रहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन आप चेंज करते रहिए आपका एलिमेंट बदलता रहेगा. हमने आप बताया कि अगर एक प्रोटॉन है हाइड्रोजन है छह प्रोटॉन हो गया तो कार्बन हो गया सात प्रोटॉन हो गया तो नाइट्रोजन हो गया. जिस तरह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन प्लांट और एनिमल्स दैट डिटरमिन्स द स्पेसीज उसी तरह से नंबर ऑफ प्रोटॉन डिटरमिन्स द एलिमेंट. नंबर ऑफ प्रोटॉन डिटरमिन्स द एलिमेंट. एटॉमिक मास बताया मैंने आपको मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज नोन एज एटॉमिक मास. हमने न्यूक्लियॉन की बताई बात कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स. मास नंबर की बात आई नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दैट इज मास नंबर. सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज मैंने बताई आपको डी ब्रोगली इक्वेशन एंड डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन. इस प्रकार से आज के लेक्चर में हमने आपको डी ब्रोगली के डेरिवेशन तक चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये इसको आप लिखें. ये फर्स्ट चैप्टर है बीएससी पार्ट वन का और लगभग हर वर्ष पूछा जाता है. दैट्स ऑल.